मोदी सरकार का ये फैसला चीन समेत चार देशों पर पड़ेगा भारी। 5 साल तक चुकाएंगे कीमत। भारत ने चीन समेत चार देशों से सौर सेल में इस्तेमाल होने वाली एक प्रकार की शीट पर $1,559 प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। जिन चार देशों से आयात पर यह शुल्क लगाया गया है उनमें चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड शामिल हैं। यह शुल्क 5 साल के लिए लगाया गया है। घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण के लिए यह कदम उठाया गया है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई DGTR की सिफारिशों के आधार पर एथिलीन विनाइल एस्टेट शीट पर $537 से $1,559 प्रति टन का शुल्क लगाया है। अधिसूचना में कहा गया है कि एक घरेलू कंपनी की शिकायत के बाद निदेशालय ने पिछले साल अप्रैल में जांच शुरू की थी। जांच के बाद यह पाया गया कि घरेलू कंपनियों को संरक्षण के लिए चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड से आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाना जरूरी है। इस उत्पाद का इस्तेमाल सोलर PV फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में होता है।